आपको सलामत रखे। आज जो मैं आपके साथ अमल पेश करने जा रही हूँ, उससे पहले मैं अपनी एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर है उनके बारे में छोटा सा एक जो पैगाम है वो देना चाहती हूँ। जी, उन्होंने कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ, तो मैंने उनसे कहा कि आप कुरान पाक पढ़ लो। तो बच्चे, आप जितनी जल्दी हो सके कुरान पाक पढ़ो, तो या फिर ऐसा करो कि मैं कोशिश करूंगी कि आपको एक किसी टीचर से आपका जो है रब्ता करवा देती हूँ, वो आपको ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाएगा। ठीक है, ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ाएगा, तो आप उनसे भी ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ सकती हो। कुरान पाक पढ़ाना, आप पढ़ने का शौक रखो तो हम जरूर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आपने अगर पढ़ना है तो लाजमन बता देना। ठीक है, मैंने ये पैगाम जिनको दिया है, शायद उनको मेरी अगर वीडियो देख रही है तो उनको समझ आ जाएगा। बच्चों के लिए तो जरूरी है कि कुरान पाक लाजम पढ़े, तो जिनसे अब मैं अमल आपके साथ पेश करने जा रही हूँ, ये उन बच्चियों के लिए है जो कुरान पाक नहीं पढ़ी हुई या जो कुरान पाक पढ़ना शुरू किया है, ठीक है, लेकिन वो इन चीज का शौक रखती हैं, तो इनके लिए ये जिनसे अमल है अब पेश किए जा रहे हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इस अमल की कोई आपने जुकात या कोई ऐसी चीज का वो नहीं है, ना परहेज है और ना ही कोई जुकात वगैरह इसके बाद आपको करनी पड़ेगी। आपने पढ़ना क्या है, अलीफ से अल्लाह, बे से बिस्मिल्लाह, रे से रहमान, हाजरात को हाजिर कर प्यारे हजरत सुलेमान, ला इलाहा फरमा दे इल्लल्लाह बुला दे, मुहम्मद रसूलल्लाह हाजरात दिखला दे, बिहक्की काफ हा या आइन स्वाद, बिहक्की हा मीन आइन सीन काफ। ठीक है, ये एक इबारत है, ये स्क्रीन पर भी चला दी जाएगी, आप उनको लिख लीजिएगा, कॉपी पेंसिल से लिख लीजिएगा। तो आपने यही जो इबारत है आपने पढ़नी है। अब मैं आपको तरीका बता देती हूँ, अगर आप इस अमल को खुद करना चाहते हैं, अगर आप इस अमल की खुद हाजरात को देखना चाहते हैं, तो अगर आप छोटे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप बड़े हो गए हैं तो फिर आपने क्या करना है कि मगरिब से पहले आपने इन अल्फाज को अव्वला से दुरूशी पढ़ने के बाद आपने हाजराती जो स्याही है वो अपने नाखून पर या फिर हथेली पर लगा लेनी है और गौर से बैठ कर देखना है। 21 दिन तक आप ये अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो रूहानी कुवते हैं वो भी बुलंद होंगी और ये चीज जो है खत्म, जो हाजरत के हजाब के पर्दे होते हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। 101 मरतबा आपने दरमियान में पढ़नी है अव्वला से दुरूशी पढ़ने के बाद। अगर आप किसी बच्चे के ऊपर चाहते हैं कि हम ये हाजरा जो है किसी बच्चे, छोटे बच्चे के ऊपर करवाएं या बच्चे के ऊपर करवाएं जो नाबालिग है, तो आपने क्या करना है, बच्चे के दाएं अंगूठे के ऊपर यानी सीधे तरफ को अंगूठे के ऊपर नाखून पर आपने, तो या सीधे हाथ की हथेली पर थोड़ी सी हाजराती स्याही गोल दायरे से लगा देनी नाखून के ऊपर, तो पूरे नाखून पर लगा दीजिएगा। तो स्याही लगाकर अव्वल आप 11 मरतबा आप दुरूशी पढ़कर, तो बीच में 101 मरतबा जो मैंने ऊपर अजाइम बताई है वो आपने पढ़नी है। पहले उसको जुबानी अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, फिर बच्चे के ऊपर पढ़ के दम कीजिएगा, बच्चे को नाखून के जो है दरमियान में देखने को कहिएगा या फिर हथेली के दरमियान में। ठीक है, तो थोड़ी ही देर में जो मुखलिन है उनका नजूल हो जाएगा, जिससे आप अपने मकसद के बारे में 100% दुरुस्त बातें मालूम कर सकते हैं और अगर कोई मसला है उसके बारे में पूछ सकते हैं, अगर कोई काम शुरू करना है उसके बारे में पूछ सकते हैं। गैर शरी सवाल मत कीजिएगा, वरना नुकसान का जो है इस्तेमाल होता है यानी नुकसान होने का खतरा होता है, इन चीजों से दूर रहिएगा। बहुत नायाब अमल है, करके देखिएगा, और खुद पर अगर करना है तो वो भी मैंने आपको तरीका बता दिया है। इसी अमल के साथ इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपको करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह पाक हमेशा आपको सलामत रखे। और एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरी कोई वीडियो अब तक नहीं पहुंचेगी। बहुत सी मुझे गुजारिश आती है, आपकी फला दिन की जो है वीडियो नहीं आ रही, फला दिन की इस वजह से नहीं आ रही, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, अगर आपने सब्सक्राइब किया होता तो फिर ऐसा कोई मसला होता, इसी के लिए जरूरत चाहती है। इतना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह पाक आपको करने की तौफीक अता फरमाए, इजाजत दे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।